इस पीछे का जो स्क्रू है वो मैंने निकाल दिया। आप देखोगे यहाँ पर मेरे पास में 4 स्क्रू हैं, जिसमें कि एक जो सिंगल स्क्रू है वो अलग साइज का है, क्योंकि ये जो आगे का जो फोक आर्म है तो राइट साइड का ये स्क्रू है पतला सा, और ये देख पा रहे हो ये तीनों सेम साइज है, इसको आप कहीं पे भी लगा देना। और ये जो अपना क्रश गार्ड है गाइज, ये ओरिजिनल का KTM का पावर पार्ट नहीं है, ये आफ्टर मार्केट है, बस इसके ऊपर KTM की ब्रांडिंग हो रही है। तो इसके अंदर हम स्क्रू इस तरीके से लगाएंगे और ये हम इसको कुछ इस तरीके से इसके ऊपर टाइट कर देंगे एलन की से। तो इसी तरीके से गाइज मैं सारे आप लोगों को लगा के दिखाऊंगा कि सारे इसके अंदर की किस तरीके से ये लगेंगे। तो गाइस स्विंग आर्म के मैंने लगा दिए क्रश गार्ड, तो अब लगाने हमने फ्रंट वाले के। तो फ्रंट वाले को लगाने के लिए जो आप स्क्रू देख रहे हो ये हमने खोलना है, तो इस जो टी है इससे हम खोल लेंगे इसको, और आप देखोगे इसके अंदर भी जो थ्रेड्स हैं वो बने हुए हैं। तो ये आ गया हमारा आगे का स्क्रू, और गाइस इसी के अंदर देख पा रहे हो आप दोनों का सेम साइज़ है, तो हमें आगे भी सेम साइज़ का जो स्क्रू है वो लगाना है इसके साथ में। यहाँ पे हमें कोई कैप देखने के नहीं मिलेगी, तो जो मैं आप लोगों को बता रहा था ये छोटे वाला, तो छोटे वाला हमारा लगेगा इसके अंदर करके, सेम डायरेक्टली इसके अंदर लग जाएगा। तो यहाँ पर आपको छोटी एलन की इसके साथ में लेके के लगा देनी है। तो इसके अंदर आपको जो थ्रेड्स हैं देखने को मिलेंगे, इसके अंदर भी हमने इस तरीके से टाइट कर देना है गाइस, और ये हो गया अच्छे से टाइट, बहुत बढ़िया। और ये आप देख पा रहे हो गाइस ये कुछ इस तरीके से नज़र आते हैं, और ये देखो ये ऊपर से घूम जाते हैं, उसकी टेंशन मत लेना कि आप ये फ्री घूम रहे हैं, ये अंदर वाला गाइज हिस्सा है वो वहीं रहेगा, ऊपर से सिर्फ यही चीज़ घूमती है इसकी। तो वो अपने जो फ्रंट वाले फोक आर्म के जो स्लाइडर है गाइज वो भी लग चुके हैं, तो आप देख पा रहे हो ये कुछ इस तरीके से नज़र आ रहे हैं। और भाई ये आपकी बाइक को एक अलग सा यूनिक सा भाई लुक दे रही है, मैं जैसे कि देख पा रहा हूँ मतलब पहले से ज़्यादा अब ऐसा लग रहा है कुछ अपनी बाइक के अंदर हैवीनेस है वो आगे की तरफ देखने को मिल रही है। और इसी के साथ में गाइज आप को पीछे भी कुछ इस तरीके से नज़र आएगा, तो आप पीछे वाला ये है तो ये भी आप घुमा के ऊपर कर सकते हो, आपको KTM की जो ब्रांडिंग है ऊपर दिखाने तो ऊपर दिखा लो, और इसी तरीके से पीछे वाला भी है तो ये भी देख पा रहे हो गाइस एक नंबर लग रहा है भाई। और ये आ गया हमारा फ्रंट वाला फिर से भाई मज़ेदार है गाइस। अगर आपको ये प्रोटेक्शन गार्ड अच्छे लगे हो तो यार इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और शेयर ज़रूर करना।